नमस्कार, हाउ आर यू? ब्राउन मैन रिव्यूज में आप सबका स्वागत है। हम सब हमारे घर में लॉकडाउन है, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके सामने मैं कुछ ऐसे सीरीज के नाम लाऊंगा कि जिसको आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में देखना है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस सीरीज को कहाँ देख सकते हो, और इनका रिव्यू बताऊंगा विदाउट एनी स्पॉयलर्स। और वी नीड टू अप्रिशिएट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द इंडियन डायरेक्टर्स और इंडियन प्रोडक्शन हाउसेस आर कमिंग अप विद सच ब्यूटीफुल वेब सीरीज, क्योंकि ये तीनों सीरीज मैंने देखी और तीनों सीरीज अलग अलग है। उनका पूरा जो उनका जो वे ऑफ यू नो फिल्म मेकिंग है वो बहुत ही अलग है, एंड दे आर नाउ ऑन वे ऑफ ब्रेकिंग सम पाथ जो आके जाके एक ट्रेंड बनेगा बाकी फिल्म मेकर्स के लिए। सो दैट्स रियली अप्रिशिएबल। आई रियली थैंक ऑल द इंडियन प्रोडक्शन हाउसेस फॉर कमिंग अप विथ सच ब्यूटिफुल वेब सीरीज। नंबर वन, आपको अभी के अभी देखनी है भौकाल। भौकाल एक MS प्लेयर पे आपको फ्री में आप ये देख सकते हो। MS प्लेयर को डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए भौकाल, और वहाँ पे आप ये फ्री में देख सकते हो। मोहित रैना, वॉट अ एक्टर, वॉट अ एक्टर, वॉट अ पर्सनैलिटी, क्या एक्टिंग की है बंदे ने। जस्ट लुक द वे ही एक्चुअली यू नो ही लुक्स लाइक एन IPS ऑफिसर। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, ओके, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस बेस्ड ऑन अ क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज मुजफ्फरनगर। मैं मुजफ्फरनगर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ, क्योंकि आई बिलोंग टू द सेम प्लेस। मैं आई एम फ्रॉम वेस्टर्न UP एंड आई एम स्टेइंग इन द सेम प्लेस, नियर बाय सेम प्लेस। आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट प्लेस एंड हाउ ड्रेडफुल इट वॉज। एंड नवीन सर, नवीन सकेरा जी जो वहाँ के IPS ऑफिसर थे, ही हैज रियली लोअर्ड द क्राइम रेट ओवर देयर, और उनकी स्टोरी पे बेस्ड है। और मोहित रैना के सिवाय अभी तो मैं कोई ये बता नहीं सकता हूँ कि उनके सिवाय कोई और रोल कर सकता था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी लैंग्वेज पे काम किया, अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया है, मतलब सी इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन जो एक रोल में इतने ज़्यादा फेमस हुए। ही वॉज लॉर्ड शिवा इन देवों के देव महादेव, और उनको आप जब अपनी आंखों के सामने देखते हो ऐसे कोई भी कैरेक्टर को, तो सबसे पहले आपके मन में लॉर्ड शिवा ने इतना बड़ा इम्पैक्ट दिया है, तो आपको वही दिखाई देते हैं। द सेम केस हैपन विद अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण पे लॉर्ड रामा का उन्होंने किरदार निभाया था। उसके बाद अरुण गोविल जी को लॉर्ड रामा के बिना कोई देख ही नहीं पाता था। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोहित रैना टू चूज अ पाथ एंड टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स विच ही डिड इन उरी, और जस्ट अ गेस्ट एक्सपीरियंस इन गुड न्यूज। वो दिख के आता है, अलग से ही दिखता है, इट्स अ वॉर्ड एक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस और उनका जो कॉन्फिडेंस है, दैट्स मेक्स हिम एन एक्टर एंड ही कैन बी अ लीड एक्टर इन फ्यूचर। भौकाल आप देखिए, सी हिज पर्सनैलिटी, दमदार, ताकतवर एकदम। सामने खड़ा है उनका अभिमन्यु सिंह जो एक ठाकुर राजपूत है, और उनके सामने मोहित रैना, और जो अर्जुन सिंह का जो कैरेक्टर है जो उन्होंने प्ले किया है, वो एक मुस्लिम कैरेक्टर है, इतना बेहतरीन प्ले किया है उन्होंने। और जो प्रॉबली मुजफ्फरनगर से रिलेटेड है, उनके कैरेक्टर को तो बहुत आराम से ये सोच सकते हैं उनके बारे में। एक्चुअली दे कैन यू नो, वो ये नहीं सोच पाएंगे कि उन्होंने एक कैरेक्टर देखा है और एक या एक रियल लाइफ उन्होंने क्राइम लॉर्ड देखा है, वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। इतना बढ़िया कैरेक्टर किया है अभिमन्यु सिंह ने। और बाकी एक्चुअली जो मूवी का जो प्रेजेंटेशन, इट इज़ सो ब्यूटीफुली डन दैट आपको लगेगा कि आप प्रॉपरली मुजफ्फरनगर के अंदर बैठे हो और आप देख रहे हो। स्टोरी है मुजफ्फरनगर ईस्ट और वेस्ट की, जिनको दो क्राइम लॉर्ड्स देख रहे हैं। जो एक पार्ट है वो है देदा ब्रदर्स के पास, जो एक पार्ट है वो है शौकीन के पास। शौकीन का जो कैरेक्टर है अभिमन्यु सिंह ने प्ले किया है, और इतना बेहतरीन प्ले किया है कि वो
मोहित राणा जी के सामने कंधे से कंधा मिलाते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, अभिमन्यु सिंह इज सच ए कैरेक्टर, ही सच ए एक्टर जो किसी भी लीड एक्टर को ओवरटेक कर सकता है, जो मोहित रैना ने होने नहीं दिया है। तो इट्स रियली रियली अप्रिशिएबल। दूसरे कैरेक्टर से डेडा ब्रदर्स के, उनमें शक्ति कपूर जी के बेटे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और उनके साथ साथ एक और उनका जो भाई है उनने भी बहुत अच्छा काम किया है। उनका नाम तो मुझे पता नहीं है पर बहुत ही बेहतरीन काम उन्होंने भी किया, हालांकि उन दोनों का रोल कम है। दिस मोस्टली आई थिंक सो विल बी पार्ट वन बेस्ड ऑन द क्लैश बिटवीन शौकीन एंड नवीन सिकेरा। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्लैश इन रिसेंट टाइम्स। सीरीज को मिस मत कीजिएगा। सबसे बेहतरीन डायलॉग है मूवी के अंदर, जब इंस्पेक्टर जनरल जो उनमें मेरठ में, जब मेरठ से उनकी ट्रांसफ़र हो रही होती है मुजफ्फरनगर में नवीन जी की, इंस्पेक्टर जनरल आईजी उनको बोलते हैं कि यू नो दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मुजफ्फरनगर इज़ अ क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया एंड यू आर मूविंग टू देयर एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। तो नवीन जी पूछते हैं व्हाट इज़ ग्रेट इन इट, बोलते कि दिल्ली दिल्ली के अंदर लॉ बनते हैं और मुजफ्फरनगर के अंदर लॉ तोड़े जाते हैं। वॉट अ डायलॉग। और ये सच में था, हालांकि अभी क्राइम वहाँ पे काफ़ी कम है बट स्टिल दैट एरिया इज यू नो वहाँ पे रहने का एक मज़ा ही अलग है। जो वहाँ पे रहा है उनको मतलब ये समझ आता है कि वो किस तरह का एरिया है। एंड आई नो दैट एरिया बिकॉज मैं वहाँ पे रहा हूँ, उस इलाके के आसपास तो बहुत रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे क्या है। और हालांकि अभी वहाँ पे क्राइम काफ़ी कम हो गया है पर यू कैन विजुलाइज कि उस वक्त क्या हुआ होगा वहाँ पे। सो हैट्स ऑफ टू सच ग्रेट आईपीएस ऑफिसर्स एंड हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर ऑफ दिस सीरीज। एक्चुअली आई विल जस्ट टेल यू द नेम ऑफ द डायरेक्टर। हैट्स ऑफ टू द प्रोडक्शन हाउस एमएक्स प्लेयर एज वेल एज द डायरेक्टर जतीन सतीश वागले। एंड रियली रियली आपने इस तरह की सीरीज लाई है, आई एम श्योर कि एमएक्स इसके आगे भी ऐसी सीरीज लाते रहेगा। गाइस दिस शुड बी फर्स्ट ऑन, डोंट 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 मिस इट, एंजॉय इट एंड अबव ऑल इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट सो यू कांट मिस इट। ओके या टेक केयर। भौकाल को मैं दूंगा 5 out of 5 stars फॉर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुजफ्फरनगर क्राइम एज वेल एज द रियलिस्टिक एक्टिंग ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन द मूवी। दैट हैज गिवन मी गूज पम्प्स एंड आई कैन गारंटी यू इट विल गिव यू एज वेल द सेम गूज पम्प्स विच आर देयर राइट नाउ ऑन माई बॉडी। एंजॉय इट। 5 out of 5। एमएक्स प्लेयर फ्री में, कोई टेंशन नहीं है। एक एपिसोड देखिए, सारे एपिसोड फिनिश कर दोगे। दैट्स माई गारंटी। थैंक यू।